नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 25 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है हरियाणा ने शुरू की संजीवनी परियोजना। अब ये है क्या? देखो, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वो कोविड-19 पेशेंट जो घर पर है, जिनको हल्के लक्षण हैं, जो होम आइसोलेशन है, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज घर पर ही प्रोवाइड की जा सके, तो उसके लिए हरियाणा की सरकार ने संजीवनी परियोजना स्टार्ट की है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? हरियाणा। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। अब बात हरियाणा की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए कहां पर है। यह है हरियाणा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। फॉर्मेशन कब हुई थी हरियाणा की? 1 नवंबर 1966 में। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। 22 जिले हैं लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है। बाउंड्री की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, इन 6 के साथ, जिसमें एक तो यूटी है और 5 राज्य हैं, तो टोटल मिलाकर ये 6 हो गए, जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ओपी भारद्वाज का हुआ निधन। अब पहले ना आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाने से अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा। ओपी भारद्वाज का मई 2021 में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस खेल से, मतलब किस खेल में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे? तो बताइए आंसर क्या होगा। देखो, ये इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा चुका है, किस क्षेत्र में, मतलब किस खेल में? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका मुक्केबाजी, यानी बॉक्सिंग। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये कब से लेके कब तक भारत के जो बॉक्सिंग कोच रहे हैं? तो ये रहे हैं 1968 से लेके 1989 के बीच में ये इंडियन नेशनल बॉक्सिंग कोच भी रह चुके हैं। और अभी हाल ही में 21 मई 2021 को इनका निधन हो गया। और ये भारत के पहले द्रोणाचार्य, इनको पुरस्कार दिया गया था बॉक्सिंग में। तो सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, बॉक्सिंग। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 24 मई 2021 से अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये यात्रा 24 मई 2021 से लेके 28 मई 2021 तक चलेगी। देखो, इस प्रकार की जब विजिट होती है ना, उनका उद्देश्य एक ही होता है, दोनों देशों के बीच में जो बायलेटरल रिलेशन है इनको मजबूत किया जा सके काफी दूसरे क्षेत्रों में, जैसे अभी कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है इसको भी किस प्रकार से रोका जा सके, इन सब मुद्दों पर इसमें बातचीत की जाएगी। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 24 मई 2021 से किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? देखो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे इस प्रकार की जो विजिट हो रही है ना, ये काफी इंपोर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अमेरिका। थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, अमेरिका इसका सही आंसर है। अब बात अमेरिका की हुई है तो लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो, ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप और यहां पर है ये अमेरिका। इधर अमेरिका के अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो वॉशिंगटन इसकी कैपिटल है। अब आप याद रखेगा, एक तो IMF, दूसरा क्या है वर्ल्ड बैंक, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इन तीनों का मुख्यालय ये वॉशिंगटन DC में ही है। US डॉलर ये करेंसी है। जो बाइडन ये प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर के? 46वें नंबर के। कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट है। और अमेरिका में 50 स्टेट हैं। वैसे अभी यहाँ पे एक और बन जाएगी, ये कौन सी बनेगी? ये बनेगी वॉशिंगटन DC। और वॉशिंगटन DC को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित कर दिया गया है अमेरिका की संसद में। भारतीय राजदूत कौन है अमेरिका में? तो ये इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू, ये भारतीय राजदूत हैं अमेरिका में। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। चक्रवात
चक्रवाती तूफान यास को यह नाम ओमान द्वारा दिया गया है। देखो अभी आप जानते हैं काफी दिनों से न्यूज आ रही है कि इस नाम का ये जो यास साइक्लोन है ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है, और बंगाल की खाड़ी में अभी जैसे ही मतलब ये उत्पन्न हो रहा है तो 26 मई को ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर इसके टकराने की संभावना बताई जा रही है। अभी कुछ ही टाइम पहले एक साइक्लोन और आया था, नाम क्या था उसका, ताऊते, और ये ताऊते नाम म्यांमार ने दिया था। और अब ये जो यास साइक्लोन है इसका नाम किसने दिया है, ये दिया है ओमान ने। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, ओमान। फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ओमान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आप ओमान की लोकेशन देखिए, ओमान कहाँ पर है, देखो ओमान यहाँ पर है, ये देखिए आप, इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो मस्कट ये इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, ओमानी रियाल। अब देखो ये कुछ बेसिक मतलब ये लोकेशन जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप कुछ देश देख लीजिए, ये सऊदी अरेबिया, ये कुवैत, ये छोटा सा यहाँ पे बहरीन, इधर कतर, यूएई, और नीचे क्या है, ये है यमन। क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो ये पर्शियन गल्फ है और इधर गल्फ ऑफ ओमान है, इनके बीच में ये जो स्टेट है ना इस स्टेट का नाम पूछा जाता है, तो स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ होर्मुज। उसी प्रकार से ये सारा एरिया ये रेड सी वाला एरिया है इधर, और यहाँ पे जो है ना ये है गल्फ ऑफ एडन, तो इनके बीच में ये जो स्टेट है इस स्टेट का नाम क्या है, बाबल मंदिर स्टेट। और क्वेश्चन पूछा जाता है रेड सी और पर्शियन गल्फ इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है, तो ये आता है सऊदी अरेबिया। तो ये जो लोकेशन है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिको की लेखिका विलेरिया लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस देश की लेखिका विलेरिया लुसेली, नाम क्या है, विलेरिया लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है, तो आंसर क्या होगा, मैक्सिको। ये मैक्सिको की ऑथर है, यानी मैक्सिको की ये क्या है, लेखक है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है ना ये इनका जो अपना उपन्यास है उस नोवेल का नाम क्या है, उस नोवेल का नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव, इसके लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। ये पुरस्कार दिया जाता है वो नोवेल जो या तो इंग्लिश में लिखे गए हैं या फिर ट्रांसलेट किए गए हैं, और इसमें तकरीबन 90 लाख रुपए दिए जाते हैं एज ए अवार्ड, मतलब जो अवार्ड इसमें धनराशि दी जाती है वो 90 लाख रुपए दी जाती है, और ये जो काफी धनी अवार्ड होते हैं ना उनमें से ये एक धनी अवार्ड है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, मैक्सिको इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, उससे पहले आप मैक्सिको की लोकेशन देख लीजिए, कहाँ पर है मैक्सिको, देखो यहाँ पर है मैक्सिको। इसके अगर हम कैपिटल की बात करें मैक्सिको सिटी, करेंसी क्या है, मैक्सिकन पैसो, ये इसकी करेंसी है मैक्सिको पीसो। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, उत्तराखंड सरकार शुरू करेगी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। देखो इस योजना में होगा क्या, 21 साल तक, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए उत्तराखंड की सरकार इस स्कीम को लॉन्च करेगी, इसमें होगा क्या, वो छात्र जिनका मतलब जिनके जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके गार्जियंस वो कोविड-19 महामारी से वो मतलब उन्होंने उनको खो दिया है, तो उन छात्र को 21 वर्ष तक जब तक उनकी उम्र होती है जब तक उनकी एक तो एजुकेशन और बेसिक फैसिलिटीज जो हैं इन सबको मतलब इन सबका जो पूरी जिम्मेदारी है वो उत्तराखंड की सरकार उठाएगी, और उनको प्रति माह 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे, उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है इनको प्रोवाइड करने के लिए पीए दिए जाएंगे पर मंथ, और याद रखेगा, और जो दूसरी जैसे एजुकेशन वगैरह है उन सबका जो भी जिम्मेदारी है वो उत्तराखंड की सरकार उठाएगी, कब तक, जब तक इनकी उम्र 21 साल तक हो जाती है। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है, तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन का उत्तराखंड सही आंसर है, उत्तराखंड बी ऑप्शन में है, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये लोकेशन है उत्तराखंड की, देखो यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखेगा क्या, कि उत्तराखंड की जो सीमा है ना ये लद्दाख के साथ नहीं लगती है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इस प्रकार की जो डिटेल होती है ना वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो गैरसैंण ये इसकी समर कैपिटल है और देहरादून ये इसकी विंटर कैपिटल है, यहाँ पर दो कैपिटल है। मुख्यमंत्री की बात करें तीरथ सिंह रावत ये मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं, 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी,
हाई कोर्ट की बात करें तो नैनीताल हाई कोर्ट है, राघवेंद्र सिंह चौहान या फिर आप कह सकते हैं आरएस चौहान, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इनके साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बार्क के पूर्व निदेशक श्री कुमार बैनर्जी का निधन हो गया। आप क्वेश्चन लगाइए अब। 23 मई 2021 को श्री कुमार बैनर्जी का निधन हो गया। वह किस संगठन के पूर्व निदेशक थे? तो बताइए, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर थे? तो आंसर क्या होगा? बार्क। बार्क का पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इनको ना पद्मश्री भी दिया जा चुका है। कब? 2005 में इनको पद्मश्री दिया गया था और एक और अवार्ड दिया गया था। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1989 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया था और 2005 में पद्मश्री दिया गया था इनको। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैक्स वर्स्टपन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। आप क्वेश्चन लगाइए, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीती है? तो देखो, ये जीती है मैक्स वर्स्टपन ने। अभी है कौन ये? ना देखो, जो बेल्जियम है ना, वहां से हैं ये, और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। देश का नाम भी आप याद रखिएगा। देश का नाम क्या है? बेल्जियम, और रेड बुल के ये ड्राइवर हैं। अभी हाल ही में इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है, और इन्होंने 2021 में एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स ये भी जीती थी। अब इन्हीं के साथ लुइस हैमिल्टन, इनकी बात कर लेते हैं। ये कहाँ से हैं? ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्होंने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है 2021 में? एक तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, दूसरी पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स, तीसरी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। यानी इन्होंने ये तीन जीती हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। कोविड-19 टीके वितरण वाले भारत के पहले ड्रोन के जून 2021 तक किस राज्य में उड़ान भरने की उम्मीद है? तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना। 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, तेलंगाना इसका सही आंसर है। अब आप लोकेशन देखिए तेलंगाना की, ये है तेलंगाना की लोकेशन। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो कैपिटल क्या है? हैदराबाद। 2 जून 2014 में फॉर्मेशन हुई थी। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तमिलीसाई सौंदरराजन ये कौन है? ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हीमा कोहली। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, चार राज्यों के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। माउंट नायरा गोंगो ज्वालामुखी हुआ विस्फोट, ये कहाँ पर है? ये इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो ये कोंगो में है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, खबरों में रहा माउंट नायरा गोंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्योंकि ये अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, और ये कब इरप्ट हुआ? 23 मई 2021 को। तो ये कहाँ पर है? कोंगो गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ द कोंगो में है। तो 10th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, कोंगो गणराज्य। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो बताइए, ये कहाँ पर होगा? ये होगा अपने देश भारत में। मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आंसर क्या होगा? एनवायरमेंट। महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत GI टैग प्रमाणित उत्पाद धानु घोलवड़ सपोटा, ये चीकू की एक वेराइटी है, ये किस देश में भेजी गई? तो कहाँ पे भेजी गई? UK में भेजी गई। बॉयर्ड रैंकिन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सही आंसर है। मार्था कुं किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो केन्या इसका सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है, विश्व कछुआ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आंसर आपको बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? 21 मई 2021 को त्रिपुरा से 1.2 मीट्रिक टन ताजे कटहल का निर्यात किस शहर में किया गया? किस राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान लॉन्च किया है? अनाटोल कोलिनेट माकासो, फिर से बोलता हूँ, अनाटोल कोलिनेट माकासो को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है।
तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।